मैं आदरणीय डीन सर प्रोफेसर आरपी पाठक सर से निवेदन करता हूं कि वो आए और जो कुछ बचा और रहा है तो समाप्त कर दे, जिस तरीके से जो विटामिन है वो न मिला हो उसी तरीके से हमारे सामने हमारे डीन सर हैं तो सारे उन कमियों को खत्म कर दें। स्वाभाविक है मैं स्वर्गीय अटल जी की बात को याद कर रहा हूँ कि गत अतीत का गौरव लेकर वर्तमान की ओर निहारो और जो जूठा खाकर पनपा है उसके सम्मुख कर न पसारो। मेरी 51 कविताएं अटल जी की आप में से लोगों ने पढ़ा होगा। मित्रों, मैं या मुझ में ऐसा कुछ नहीं है जो कहा गया, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये वक्ताओं की सदाशयता और महानता थी जो मेरी तुच्छता को भी राई से पर्वत करे, पर्वत राई माही, ऐसी स्थिति प्रदान किया है। आज एक बात अपने मन में पहले से निकाल दीजिए, वो ये कि चिंतन और विचार का विषय बिल्कुल अपक्षपातपूर्ण और निश्चल होना चाहिए। मन में अगर कोई पूर्वाग्रह है और वह सोच करके हम किसी चिंतन या विचार को करते हैं तो वह पूर्वाग्रह हमेशा उसमें रहेगा, सब्जेक्टिविटी ले आ देगा, ऑब्जेक्टिविटी नहीं रह जाएगी। आज स्वर्गीय दीनदयाल जी की पुण्यतिथि है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि मृत्योर्मा अमृत गमय, मृत्यु से हम अमरता की ओर जाएं। दीनदयाल जी अपने चिंतन, कर्म और अपनी दृष्टि के कारण अमर हो गए, इसमें अब किसी को कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। मत विभिन्नता हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं, पर मनभेद ले आने की कोई आवश्यकता नहीं है। शर्मा जी ने जहाँ से शुरुआत की, मैं थोड़ा थोड़ा हर विषय को टच करूँगा कोशिश करने की, कि हिरण गर्भ समोर तागे भूतस्य कह पत्रियो आसीत, ऋग्वेद का पहला मंत्र है। भारतीय चिंतन में और भारतीय अस्मिता में यह संपूर्ण जगत या सृष्टि वहीं से उद्भूत होती है। हमें एक बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, पश्चिमी चिंतन को हम भी पढ़ते पढ़ाते हैं, लेकिन हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हर चिंतन देश, काल, पात्र और वातावरण के अनुरूप विकसित होता है। भारतीय चिंतन कोई ऐसा चिंतन नहीं है जिसे आप टुकड़ों में बांट बांट करके देखिए, इसका होलिस्टिक अप्रोच है, इसे समग्रता में ही देखना पड़ेगा, तभी शायद हम उस यथार्थ को समझ पाए। आजकल का सबसे बड़ा संकट यह है कि वी ऑल आर सफरिंग फ्रॉम ए काइंड ऑफ एकेडमिक एंड्रोमेट्रियासिस, मतलब हम लोग शैक्षणिक बांझपन से जूझ रहे हैं। एंडोमेट्रियासिस गायनेकोलॉजी के डॉक्टर्स जानते हैं कि यह बांझपन का एक रोग है। अब अगर ऐसी स्थिति में विचारों के प्रवाह को हम दिशा दें तो हम ये समझते हैं कि एडियन वाजपेयी साहब हमारे अच्छे मित्र हैं, वो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद पर उन्होंने एक पतली सी पुस्तक लिखी है, मैंने उसको पढ़ा, वो 4 बार वाइस चांसलर भी रहे हैं,
और वो मुझसे फोन करके कहते रहते हैं कि पाठक जी देखिएगा वहाँ श्याम कार्तिक हैं, आप डीन हैं, उनको कोई असुविधा न हो। तो अब तो ये श्याम कार्तिक जी ही बताएंगे कि इन्हें कोई असुविधा हुई है या नहीं हुई है। शायद ही कोई ऐसा पेपर इनका हो, एक्सेप्ट वन, दैट टू आई एम कंसीडरिंग वेरी सीरियसली, लुकिंग इन टू द प्रास एंड द कॉन्स ऑफ द सब्जेक्ट। जब ये गए हों, रहे हों, न रहे हों, और मैंने न हंसता भी एक दर्जन इनके पेपर हवाई जहाज से यात्रा करने वाले यहाँ आएंगे, वहाँ ठहरेंगे, सब कुछ मैंने किया। थोड़ी सी बात मैं अपने पक्ष के लिए कह दूं। दूसरी चीज़ ये कि मेरे पास NSUI के विद्यार्थी आए हों, ABBP के विद्यार्थी आए हों, किसी संगठन के विद्यार्थी आए हों, हमारा पॉलिटिकल डिस्कशन क्लब भी ज़बरदस्त रूप से चलता है। इसी हाल में उस दिन सरसों फेंकने की जगह नहीं थी, आदरणीय मालवीय जी मुख्य अतिथि थे। मैंने मुक्त भाव से हॉल अलाट किए हैं। यही नहीं, आर्ट्स फैकल्टी के डीन से हमारी ये जिच है कि जब हम और आप अलग हुए उसके बाद नहीं बना है ऑडिटोरियम, पहले का बना हुआ है, इसलिए ऑडिटोरियम में भी आधा हिस्सा हमारा है। हिस्सा नहीं देते हैं तो कम से कम हमारे कार्यक्रमों को आप फ्री करिए। हमने कुलपति जी से कहा है कि सर उसमें अगर 50-50 करना हो तो 60-40 का रेशियो रख दिया जाए। उनके कार्यक्रम अगर 60 फ्री में होते हैं तो हमारे कम से कम 40 तो फ्री में हो, हम अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। मैंने किसी भी हाल के लिए, इतने बड़े बड़े हाल इकोनॉमिक्स में हैं, यहाँ हैं, वहाँ पर एच एन त्रिपाठी हाल है, कभी एक पैसे किसी से चार्ज नहीं किया है, कम व्हाट एवर में, बट ड्यूरिंग माई शिप डीनशिप आई विल नेवर एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ डिसीजन ऑफ द यूनिवर्सिटी, क्योंकि मेरा दृढ़ विश्वास है कि सभी प्रकार की विचारधाराओं को पुष्पित पल्लवित करने के स्थान विश्वविद्यालय होते हैं। इसलिए आवश्यक है कि सभी को समान रूप से मौका दिया जाए। केवल एक हमारी वार्निंग है कि उसमें साफ सफाई हो और कोई चीज़ टूटे फूटे न, या आप में शारीरिक शक्ति प्रदर्शन का अभ्यास न शुरू हो जाए। इसलिए इसे छोड़ करके मैं उन चीज़ों को करता हूँ। इसलिए जब कभी भी मैं मंच पर खड़ा होता हूँ तो मैं अपनी बात को अपने हिसाब से कहने का प्रयास करता हूँ। यह बात सत्य है कि भारत की सभ्यता, भारत की मूल रूप से संस्कृति और भारत की जेहन, जिसके बारे में ये कहा गया कि अलम भारतीया मतानाम विभेदई रलम देश भेदेन वैरेण चालम अयम शाश्वतो धर्म एको धरायाम न संभाव्यते धर्म तत्वे सुभेद। धर्मों के बीच इस तात्विक एकता को डॉक्टर भगवान दास ने पूरी मोटी पुस्तक लिख डाली, एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल द रिलीजन्स। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप उसे भी इस दृष्टिकोण से पढ़ें। एक समय था कि डॉक्टर संपूर्णानंद जी ये उदाहरण देते थे कि अगर महाभारत में भीष्म देश की समस्याओं को समझने के काबिल थे तो वर्तमान में गांधी जी और भगवान दास भी उन्हें समझने में बड़े काबिल थे। जिस राज्य की चर्चा हमारे मुख्य वक्ता ने की, वास्तव में महाभारत में उस समय स्पष्ट रूप से ये कहा गया कि नवै राज्यम न राजासीन न दंडो न च दांडिकः धर्मेण प्रजा सर्वा रक्षन्ते अस्म परस्परम। एक समय था आपने जो बैराज द्विराज जिसकी चर्चा की, 8 प्रकार के राज्यों की, दो एक छूट गए होंगे बोलने में, लेकिन मैं उसके मूल में जो अराजक राज्य है और अराजक राज्य से अराजकता के राज्य तक हम कैसे आए, असली संकट यह है। शायद आप इसको, आप लोग स्वीकार करेंगे।
नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो यूरोपियन कॉन्सेप्ट और इंग्लैंड में आया, जिसको A.R. देसाई साहब ने, राकेश जी बैठे हैं, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म में डिस्कस किया, आप लोग पढ़े होंगे, वह एक इस प्रकार का राष्ट्र है जिसमें, मतलब नेशनलिज्म इज दैट स्टेट ऑफ माइंड इन विच एवरीबॉडी इज इंक्लाइंड टुवर्ड द नेशन स्टेट। पर यह स्टेट आया कहाँ से? कौटिल्य की जो आपने चर्चा की, कौटिल्य ने स्पष्ट रूप से कहा कि राजा चैन्य भवेल्लोके पृथिव्याम दंडधारकः जले मत्स्या निवा भक्षण दुर्बलम बलवत्तरा। जो राज्य की अवधारणा आई, ये राजनीतिक दृष्टिकोण से ले आई गई अवधारणा केवल व्यवस्था और प्रबंधन के लिए थी। ये ध्यान रखिएगा, ये व्यवस्था और प्रबंधन, मैनेजमेंट, आपने नाम नहीं लिया लोक प्रशासन का, जो कहा लोक प्रशासन की औकात 125 वर्षों के इतिहास की है। उससे ऊपर नहीं जाता हो, उससे आगे नहीं जाता, लेकिन भारतीय चिंतन शुरू से ही एक लोक कल्याणकारी और समाज उन्मुख रहा। अपने मन से हमें यह पूरी तरह से निकाल देना चाहिए कि भारत में राज्य श्रेष्ठ था, ऐसा कभी था ही नहीं। जब गलत अवधारणा हम लेंगे तो यही चीज आएगी। भारत में धर्म सापेक्ष पक्षपात विहीन राज्य था और उसमें समाज श्रेष्ठ था। समाज पहले है, राज्य बहुत बाद का है, इस धारणा को हमको अपने मन में रख लेना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाते समय थोड़ा सा मैं बचा बचा भी रहता हूँ, क्योंकि मैंने रिसर्च हिंदू पॉलिटी पर की। हिंदू पॉलिटी के जिस ग्रंथ पर मैंने रिसर्च किया तो बड़ा मजाक होता था लेक्चरर होने के पहले कि का गुरु शुक्रनीत में राजनीति का क्या हो रहा है, ये यही था। और इसी फैकल्टी के बाहर AIHC थी, एंशेंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर डिपार्टमेंट। ज़रा सा आप सोचिए कि जो हमारे यहाँ राज्य को व्यवस्थित करने की राजा की कल्पना है, उसकी हैसियत क्या थी। स्वभाग भृत्य दासत्व प्रजा नाम चंद्रपह कृतः। भारतीय शास्त्र कहते हैं कि अपना कर का हिस्सा पाने का हकदार राजा मूलतः प्रजा का सेवक था। और उनके नेशन में क्या था? आई एम द स्टेट, राज्य मैं ही हूं। यही नहीं, वहां राजाज्ञा देवाज्ञा के तुल्य थी, अतएव उसका उल्लंघन दंडनीय अपराध था। और हमारे यहां उल्टे अगर राजा शास्त्रोक्त आज्ञाओं का उल्लंघन करे तो वह दंडनीय था। आप सोचिए, गुणनीति बलद्वेषी कुलभूतोपि धार्मिकः नृपो यदि भवेत् तम तु त्यजेत राष्ट्र विनाशकम् तत्पदे तस्य कुलजम् गुणयुक्तम् पुरोहितम् प्रकृत्यनुमतिम् कृत्वा स्थापयेत् राज्यगुप्ते। हमारे शास्त्र तो ये कहते हैं कि गुण की, नीति का, प्रजावर्ग के पालन का, इन सब चीज़ों का जो राजा विरोध करता है वो देवांश नहीं है, वो राक्षसांश है। अतएव ऐसे राजा को महाभारत प्रिस्क्राइब करता है कि अहम तो रक्षितित्व यो न रक्षति भूमिपः स संधृत्य निहंतव्य श्वेव सोनवाद कातरः। ऐसा राजा जो राज्याभिषेक के समय 3 बार प्रतिज्ञा लेता था कि प्रजा के लिए कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा करूंगा करूंगा, ऐसा करके अगर रक्षा करने में असफल होता था तो उसकी पागल कुत्ते की तरह श्वेव सोनवाद कातरः हत्या की जाती थी। और ऋषियों में नहु सुदास निमी वेण, इन सब के उदाहरण राकेश जी यहाँ बैठे हैं, ब्रजेश भी बैठे हैं, हिस्ट्री के विद्वान हैं, प्रोफेसर भारद्वाज हैं, वो की गई है। मनुस्मृति में जब पुष्यमित्र सुंग ने सेनापति के रूप में सेना के निरीक्षण के समय बृहद्रथ की हत्या की तो उसके लिए शब्द आया है प्रतिज्ञा दुर्बलः।
द किंग हु कुड नॉट अबाइड हिमसेल्फ बाई धर्म. धर्म प्रतिज्ञा भी है, धर्म कर्तव्य भी है, धर्म रिलीजन नहीं है. जो आपने कहा रिलीजन की औकात बहुत छोटी है, वो हमेशा लड़ाता रहा है, हजार वर्ष तक पश्चिम में लड़ाया कि धर्म बड़ा है, कि वो चर्च बड़ा है, कि राज्य बड़ा है, इसको लेकर संघर्षरत रहा. उसके इतिहास में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है. मैकलवेन की बहुत महत्वपूर्ण किताब है, आप ले करके उसको पढ़िएगा. लेकिन मैं जेन फिगिस की किताब से चल रहा हूँ, डिवाइन राइट्स ऑफ किंग. फिगिस ने पश्चिम के लोगों का जो उद्धरण दिया है उसमें राजा राज्य और शासन के माध्यम से प्रजा को जो सुविधाएं देता था वह किसी शास्त्र पर आधारित नहीं थी. दे वेयर ओनली टू सेक द विम्स ऑफ द माइंड ऑफ द किंग. चार्ल्स सेकेंड वगैरह जो उनकी जिनकी हत्या हुई थी वो प्रजा के विरोध में ही काम करने के लिए हुई थी, उसके पक्ष में काम करने के लिए. पूरी स्टुअर्ट डायनेस्टी से लेकर के डायनेस्टी को आप देख लीजिए. यहाँ हम जिस बात की चर्चा करेंगे वह भारत में ऋत की परंपरा से आरंभ हुई, और ऋत की परंपरा से ही विधि व्यवस्था, समाज व्यवस्था और शासन व्यवस्था ये तीनों आई हैं. शासन व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, समाज व्यवस्था की चेरी है, उसकी मालिक नहीं. पहले दिमाग में ये बैठाइए. मैंने क्या कहा कि राज्य व्यवस्था की, राज्य व्यवस्था समाज व्यवस्था की चेरी है. समाज श्रेष्ठ था और उस समाज के जो दृष्टा थे वो हमारे तब के वे ऋषि गण थे. कहा गया कि ऋषियों मंत्र द्रष्टारः, उन्होंने मंत्रों को देखा. और वेदों में, शास्त्रों में जिस चीज की उन्होंने चर्चा की वह स्वहित की नहीं है, हमेशा से संपूर्ण समुदाय के हित की है. अथर्ववेद का पहला मंत्र, ओम विश्वानि देव सवितिर दुरितानि परासुवः यद भद्रम तन्नासुवः. भगवान सूर्य से प्रार्थना की गई है कि हमारे लिए, हम सब के लिए जो श्रेयस्कर हो, हितकारी हो वही दें, जो अनिष्टकारी हो उसे समाप्त कर दें. भारतवर्ष में इसकी अस्मिता और जेहन में जो धर्म आया उसकी व्याख्या ऋषियों ने कैसे की, धारयते इति धर्मः यतो अभ्युदय निःश्रेय सिद्धि सधर्मः. उन्होंने इसके लक्षण को कभी अंतिम नहीं बताया. हिंदू शास्त्र ही दुनिया का एक ऐसा शास्त्र है जिसने धर्म की अंतिम व्याख्या नहीं की है और उसका पूरी तरह से विकास होता है. धृति क्षमा दमोस्ते हम शौची मंदिरी निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधम दशकम धर्म लक्षणम. धर्म के लक्षण उन्होंने बताए. लास्ट में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. भारत के धर्म और उसकी विराटता को अगर देखना हो तो आप गीता के ही 9वें अध्याय के 22वें श्लोक के अंतिम पद में देखिए, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्यभुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. हमारा धर्म योग और क्षेम का धर्म है. हमारा धर्म उस विराट की अभिव्यक्ति है जिसे एक सावयविक समाज, ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट की सोसाइटी में देखा गया जहां समाज श्रेष्ठ था. पश्चिम में ग्रीक पॉलिटिकल थिंकिंग में हजारों वर्ष तक यही विचार हावी रहा और वो ठीक विचार था. वो इस अर्थ में ठीक था कि हमने ऋग्वेद के उस मंडल का सबका नाम क्यों ले, ब्राह्मणोस्य मुखवासीत बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य यद्वैश्यं पदभ्यां शूद्रो अजायत. अब जरा सा हम ये कह दें कि स्वामी विवेकानंद जी घूमते 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 सोवियत रूस गए.
तो वहाँ की सभा में विश्व के सभी धर्म ग्रंथ रखे गए। सबसे पहले नीचे गीता रखा गया, ऊपर सभी धर्म के ग्रंथ रखे गए। तो जो विवेकानंद जी के शिष्य थे उन्होंने कहा कि महाराज जी गीता तो बहुत नीचे दब गई। उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर उस सब कहे कि महाराज जी आप कह रहे हैं गीता तो सबसे नीचे चली गई। कहा भाई ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये ठीक कैसे है। विवेकानंद जी ने अपने व्याख्यान में कहा कि मैं आयोजकों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता को सबसे नीचे स्थान दिया। सबसे नीचे स्थान नींव का होता है। नींव जितनी ही मजबूत होती है महल उतना ही मजबूत होता है। तो हमारी जो सोच है, हमारे जो विचार हैं, हमारा जो दर्शन है, जिस चीज़ की कल्पना यह चर्चा आपने किया नेशन स्टेट की, कि नेशन स्टेट पश्चिम में उपनिवेशवाद ले आता है, साम्राज्यवाद ले आता है, युद्ध कराता है और बाद में ग्लोबलाइजेशन ले आता है। ग्लोबलाइजेशन की स्थिति यह है कि अभी कुछ दिन पहले मृत्यु हुई थी वैलेंटाइन डे के ही दिन एक फिलासफर ड्वार्किन की। उन्होंने जो इंटाइटलमेंट की थियोरी को डेवलप किया कि किन लोगों को क्या प्राप्य होना चाहिए, उसमें उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था जस्टिस फॉर हेगहॉग्स। समाज के अंतिम लोगों के लिए न्याय क्या होना चाहिए, वह ईशो उपनिषद में न जाने कब का कहा गया। पहला ही मंत्र है ईशावाशुभिदं सर्वं यत्किं जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृध कस्य धनम। भारत और भारतीय संस्कृति त्याग से भोग की संस्कृति है, जबकि उधर टोटल भोग की संस्कृति है। त्याग का कहीं कोई पता नहीं है। और पेंटागन जो रोल प्ले करता है, आपने नाम पेंटागन का नहीं लिया, युद्धों का अमेरिकी कार्यालय है वो पूरे साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में, वेस्ट एशिया में, जहाँ कहीं भी संघर्ष हो सब नेशन के नाम पर हो रहे हैं। उन्हें वो शस्त्र सप्लाई करके अपनी दादागिरी बनाए रखता है। आज उसकी स्थिति क्या हो गई है, विश्व के सभी संसाधनों के 80% का उपभोग करने वाला अकेला देश दुनिया के अन्य देशों को शिक्षा देता है कि पर्यावरण के लिए कुछ कानून बनाओ, जबकि सर्वाधिक पर्यावरण प्रदूषण इंडस्ट्रियलाइजेशन हैबिटेट ग्रोथ के कारण उन्हीं के यहाँ है। कड़वा कड़वा थू थू मीठा मीठा गप। हमने तो पर्यावरण और उससे उपजने वाली अपंगता को 2016 में मोदी जी की सरकार ने 7 प्रकार की अपंगता की जगह 21 प्रकार की अपंगता को कर दिया जो पोल्यूशन के कारण खली हो रही हैं। शर्मा जी ने कहा कि सुश्रुत की चर्चा की कि आजकल क्या है, वो चिकित्सात पुण्यतमम न किंचित, ये हमारा शास्त्रीय आदर्श रहा है। चिकित्सा से बढ़कर के कुछ पुण्य नहीं हो सकता। जब पचखुरे की सेवा करते हुए आप महात्मा गांधी जी को देखेंगे तो आप इसको अनुभव करेंगे। आजकल 2% का लाक्स लगाकर कहीं लोकल एनेस्थीसिया देकर के कुछ काट पीट करके निकाल लीजिए। माय डियर, चक्ती पेवना से राष्ट्र नहीं बनते, ये ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रीयता भी इसी आधुनिक काल के राष्ट्रीयता की उपज और देन है, और राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन भी इसी का कोड है। मिलने शुरू में ही कहा था स्वतंत्रता का इतना अतिरेक अराजकता की ओर लेता चला जाएगा। भारतीय चिंतन में इसे रोका गया। आत्मवत् सर्वभूतेषु जह पश्यति सह पश्यति। और यहाँ यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। जो चीज़ हमें अपने अनुकूल न लगती हो वह व्यवहार दूसरों के साथ नहीं किया जाना चाहिए। जयवर्धने ने श्रीलंका में जब सब नेशनलिज्म की आंधी आई तो उन्होंने कहा कि तमिल और कुत्ते अगर श्रीलंका की सड़कों पर मर जाएं
तो नगर महापालिका उनका हिसाब न रखे। ये एक राष्ट्रपति बोल रहा है, ये आप सोच लीजिए। भारत के चिंतन में कभी भी कहीं आप इस चीज़ को दिखा दीजिए कि जिस रीत की परंपरा से समाज व्यवस्था, विधि व्यवस्था और शासन व्यवस्था आती है, उसमें कोई, मैं आपको पुरस्कृत करूंगा, कहीं बता दीजिए जहां कोई ऐसी लेजिस्लेटिव असेंबली हो जिसने कानून बनाया हो और उसका पालन राजा को करना पड़ा हो। हमारे यहाँ तो सारी जो विधियाँ थीं वह वास्तव में शास्त्रोक्त थीं, उनके स्रोत थे, चार स्रोत थे, श्रुति, स्मृति, सदाचार और अंत में जो आपने कहा सेटिस्फैक्शन ऑफ द सेल्फ। ये हमारे आधार थे। हमने तो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया, फिर भी डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय कहा था कि डेमोक्रेसी कांट फ्लरिश ऑन इंडियन सॉयल सिंस इट इज एसेंशियली नॉन डेमोक्रेटिक। ये विषमता मूलक समाज में उन्होंने कहा था कि हम केवल राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त किए हैं, हमें सामाजिक और आर्थिक स्वाधीनता प्राप्त करने की ज़रूरत बनी रहेगी, इसको पूरा होना चाहिए। आप ध्यान से देख रहे होंगे कि आज इसीलिए उधर डॉक्टर अंबेडकर और इधर पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इन लोगों के चिंतन की ओर जो झुकाव हुआ है उसके पीछे वो यही दृष्टि है। जो पॉलिसी मेकर्स हैं, आप संघ की चाहे जितनी आलोचना कर लीजिए, लेकिन एक चीज़ को मैं बहुत वो करता हूँ, मैं इनसे कभी कभी कहता भी हूँ कि उनके जो प्रमुख वरिष्ठ लोग हैं उनकी जीवन पद्धति को देख लीजिए, किसी मामले में वह प्लेटो के दार्शनिक शासक से कम नहीं है। किसी मामले में प्लेटो का दार्शनिक शासक तो जीवन भर पढ़ लिख करके बना है, लेकिन ये लोग जो बने हैं वह जीवन भर अध्ययन के साथ साथ कर्म प्रधान भी रहे हैं, उसको करके दिखाया है। आज अगर मोहन भागवत जी इच्छा कर दें और मोदी जी बनारस अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आना है, इच्छा करें कि उनसे मिलना है, तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि वो जाके पहले उनसे मिलेंगे, यहाँ का कार्यक्रम टल जाएगा। और एक शूकर वृत्ति का दर्शन है जिसने पश्चिम की राष्ट्रीयताओं को तेजी से प्रभावित किया, वो है फॉरेन पॉलिसी में पढ़ाया जाने वाला, या तो जिसको हम लोग थियरी ऑफ बैलेंस ऑफ पावर कहते हैं या बैलेंस ऑफ टेरर, जो अमेरिका की दादागिरी से खड़ा होता है। जब बैलेंस ऑफ पावर की बात की कही जाएगी तो ये पावर बहुत सुपरफिशियल चीज है, लेकिन यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि वोट की राजनीति समाज और राष्ट्र के निर्माण के लिए है या केवल सत्ता प्राप्ति के लिए है पावर ब्लॉक बना करके, इस पर भी हमें गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। इन्हीं थोड़ी सी बातों के साथ, मैं अकिंचन व्यक्ति हूँ, वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ाता हूँ, जब इंडियन पर कहा जाता है तो कोशिश करता हूँ। मैं कोई इतना विद्वान भी नहीं हूँ, न इतनी कोई मेरी शैक्षणिक क्षमता है। जो कुछ भी भाई रामाशीष जी ने कहा, यह इनकी सदाशयता का परिचायक और मेरे प्रति अगाध स्नेह का परिचायक है, न कि मेरी योग्यता का। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।